आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की देश भर में हो रही है शुरुआत। डाकघरों के माध्यम से गांव-गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में मिलेगी मदद। वाराणसी में किसान कल्याण कार्यशाला का हुआ आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए शुरू की गई है नीम कोटेड यूरिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से इलाहाबाद में लोगों को मिला बड़ा सहारा। 12 रुपए प्रति माह में एक वर्ष के दुर्घटना बीमा से लाभार्थी महेंद्र को मिला पैर गंवाने के बाद भी जीवन में खड़े होने का मौका। और प्रदेश के बलरामपुर जिले में बाढ़ से विभिन्न जिलों में जलभराव, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहत और बचाव कार्य हुए शुरू। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होने जा रही है। यह बैंक गांव-गांव में बैंकिंग सेवाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। खास बात यह है कि डाकघरों के जरिए बैंकिंग सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 1 सितंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की प्रत्येक जिले में कम से कम एक शाखा होगी और ये ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे ट्रस्टेड, अफोर्डेबल और एसेसिबल बैंक भारत सरकार बनाने जा रही है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक रूरल इंडिया में करीब करीब 49,000 बैंक हैं और हमारे रोल आउट के बाद लगभग 1,30,000 नए बैंक केवल रूरल इंडिया में होगा और कुल 1,55,000 देश भर में बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रारंभ कर सकेगा। एक्सपैंडिंग अक्रॉस टू 650 ब्रांचेस, दीज विल बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांचेस एंड दीज विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट अराउंड द कंट्री। Attached to these branches, the customer services will be provided out of 3,250 access points, where we will have customers who can get doorstep banking services, also which will be provided by another 11,000 people who will actually be reaching out to the doorsteps of the customers and providing IPPB services. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लगभग 1.55 लाख डाकघर शाखाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। IPPB 650 शाखाओं के साथ शुरू होगा। इसके अतिरिक्त डाकघरों में 3,250 एक्सेस प्वाइंट होंगे और साथ ही 11,000 डाकिये होंगे जो कि घर घर तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाएंगे। पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खाते में 1,00,000 से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस के खाते से किसी भी खाते में रकम ट्रांसफर कर सकेंगे, RTGS, IMPS और NEFT से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में QR कोड और बायोमेट्रिक तकनीक से लेन देन भी हो सकेगा। इसके लिए 3,00,000 डाक कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में निवेश की भी सुविधा होगी। गौरतलब है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत से गांव-गांव तक बैंक की सुविधा को पहुंचाने में मदद मिलेगी। और अब बात वाराणसी की। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में आज बदलता बनारस के नाम से किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधाकृष्ण मोहन ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यशाला का आयोजन कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और भारतीय सब्जी बीज अनुसंधान केंद्र वाराणसी कर रहे हैं। इस कार्यशाला में कृषि विभाग के केंद्र और राज्य के लगभग सभी संस्थानों के स्टॉल लगे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राधामोहन सिंह ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार बाजार में नीम कोटेड यूरिया का विकल्प लेकर आई है। उन्होंने कहा, सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हम राज्य को जो पैसा दिया है परंपरागत कृषि विकास, पहले पैसा नहीं आता था राज्य, उसके तहत हमें 400 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी है। एक एकड़ के लिए 25,000 रुपया, 20,000 बुआई से लेकर पैकेजिंग तक और 5,000 रुपया जागरूकता के ट्रेनिंग के। इसी तरह से जो हमारा मंत्रालय है, एक तो राज्य के माध्यम से और दूसरा नमामि गंगे के माध्यम से 680 हेक्टेयर पर हम शुरू करने जा रहे हैं।
जन्माष्टमी से पहले वृंदावन नगरी इस समय चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संयुक्त रूप से वृंदावन के सुनरख बांगर गांव में 1000 शैयाओं वाले निराश्रित महिलाओं के कृष्ण कुटीर सदन का उद्घाटन किया। वृद्धावस्था में बेघर बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से इसका निर्माण किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना अब उम्र की पाबंदी को हटाकर सभी को पेंशन देने का प्रस्ताव है। कृष्णा कुटीर निराश्रित महिला सदन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7 करोड़ 38 लाख एवं प्रदेश सरकार द्वारा 72 लाख का वार्षिक बजट भी दिया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि वृंदावन के सुनरख बांगर गांव में निराश्रित महिला सदन एक अनूठी पहल है, जिसमें 1000 महिलाओं के रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर और देश के कुछ हिस्सों के बालिका गृहों में यौन शोषण की हालिया घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे अपने यहां बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय केंद्र की पहल करें। शुक्रवार को प्रदेश के विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय गृह कृष्ण कुटीर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की राजधानी में एक एक आश्रय केंद्र बनेगा। प्रदेश के लखनऊ और बनारस में भी यह आश्रय सदन बनाया जाएगा। यह है वृंदावन में बना देश का सबसे बड़ा आश्रय सदन कृष्ण कुटीर, जहां 1000 निराश्रित महिलाओं के रहने का इंतजाम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ बना यह आश्रय गृह करीब 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहां विधवा निराश्रित महिलाओं को सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। उनके रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य के साथ ही कौशल विकास का इंतजाम भी यहां है, ताकि वो अपने हुनर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें। शुक्रवार को इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ये कृष्ण कुटीर उनका घर है, न कि जेल। यहां रहने वाली निराश्रित महिलाओं की ही मर्जी चलेगी। केंद्र सरकार का इरादा इस तरह का आश्रय सदन हर राज्य में बनाने का है। कौन है जो उनका देखभाल करेगा, कौन है जो उनकी रक्षा कर सकता है? कभी अच्छे स्टाफ है, कभी नहीं भी अच्छे स्टाफ है। तो बजाय कि वो हम लोग अगर एक जगह में इस तरीके से बना ले जिसमें औरतें और बच्चे एक साथ रह सकते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एकदम से एक बदलाव आएगा। मेनका जी, मुजफ्फरपुर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बनारस में भी ऐसे आश्रय सदन बनाने की घोषणा की, जहां निराश्रित महिलाएं अनाथ बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रह सकेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी निराश्रितों को पेंशन मिलेगा और अब इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। पहले एज लिमिट थी कि 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी उनके बच्चे अगर नाबालिग नहीं होंगे, ऐसी महिलाओं को ही हम निराश्रित पेंशन देते थे। हमने कहा भी इसमें एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, हमने उसको समाप्त किया है। हमने ये भी व्यवस्था की है कि उनके बच्चे बालिग हों नाबालिग हों, उसकी हकदार है, उसे मिलना चाहिए। कृष्ण कुटीर में रहने वाली महिलाओं ने यहाँ की व्यवस्था पर खुशी जताई। पलंग मिला, कपड़े मिले हैं, और सबसे पहली बात तो ये है हमें ब्रजभूमि मिली है। परेशान थे पहले, वृंदावन में डोलते थे, रहते थे, कहीं रोटी है कहीं पानी नहीं है, 24-25 साल से धक्के खाए। अब बहुत सुविधा में आ गए, स्वर्ग में आ गए, पर इतना है बिहारी जी के दर्शन होते रहे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्वाधार गृह योजना के तहत वृंदावन में बनाए गए इस कृष्ण कुटीर का निर्माण NBCC ने किया है और इसको बनाने में 57 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस 4 मंजिला इमारत को बुजुर्ग और दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिम्स्टेक के 4th शिखर सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों ने काठमांडू घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इसके मुताबिक बिम्स्टेक एक शांतिप्रिय, समृद्धि और सतत विकास के स्वरूप लाने के लिए क्षेत्र में विकसित करने के लिए सदस्य देशों की सहमति व्यक्त की गई। घोषणा पत्र में बिम्स्टेक चार्टर को बनाने और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, कृषि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में बनी भारत नेपाल मैत्री पशुपतिनाथ धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल ऐतिहासिक विरासतों से जुड़े और दोनों ही देश सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को जीवंत करते आए हैं। मैं भक्ति भाव से गदगद हूं, क्योंकि आज बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे फिर एक बार दर्शन दिया है, फिर आज
उनके चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जानकी धाम नेपाल की विविधता को एकता में पिरोते हैं। ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने पशुपतिनाथ के दर्शन कर सुख शांति समृद्धि सद्भावना के लिए पूजा अर्चना की। ये मौका कई मायनों में खास था। ये साल का दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री ने देवाधिदेव महादेव के दर्शन किए। दर्शन से पहले प्रधानमंत्री ने पशुपतिनाथ परिसर में ही बनी धर्मशाला का लोकार्पण कर दुनिया भर के शिव भक्तों को भारत की तरफ से एक भेंट भी दी। नेपाल भारत मैत्री का प्रतीक इस धर्मशाला का यहां लोकार्पण हो रहा है। लगभग चार वर्ष पहले मुझे सावन मास के अंतिम सोमवार को यहां पशुपतिनाथ जी के चरणों में आकर के पूजा का अवसर मिला था। कुछ महीने पहले जब मैं यहां आया था तो मुझे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जानकी धाम तीनों बड़े तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला था। भारत नेपाल मैत्री में दोनों देशों की साझी विरासत को प्रधानमंत्री ने एक स्वाभाविक लगाव बताया। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ तो गया ने उन्हें बुद्ध बनाया। उनका शांति और अहिंसा का संदेश आज के हिंसा के दौर में उम्मीद जगाता है। प्रधानमंत्री ने भारत नेपाल के संबंध में विकास के आयाम को जोड़ते हुए नेपाल को हर एक क्षेत्र में मदद करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, हर किसी के कल्याण की कामना। दोनों देशों का भविष्य इसी भावना से तय होगा। हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे नेपाली भाइयों और बहनों का भी उतना ही स्थान है। सबका स्थान, सबका विकास की बात जब करते हैं तो ये सबके लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने अपने संबोधन में भारत को मदद के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल के लिए भारत का पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को प्रधानमंत्री ओली ने अतुलनीय बताया। उन्होंने भारत नेपाल में बन रहे रामायण सर्किट सहित बौद्ध सर्किट का भी उल्लेख किया और जनकपुर अयोध्या बस सर्विस की शुरुआत को याद किया। भारत नेपाल मैत्री की डोर सीमाओं से परे लोगों की भावनाओं में, एक दूसरे के संबंधों में, सांस्कृतिक विरासतों में बंधी है। पशुपतिनाथ धर्मशाला उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। प्रदेश के अमेठी में मुसाफिरखाना के पिंडारा ठाकुर गांव को केंद्र सरकार ने डिजिटल विलेज घोषित करने जा रही है। गांव को डिजिटल विलेज की औपचारिक घोषणा करने आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी जाएंगी। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ही वाईफाई, चौपाल, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, टेलीमेडिसिन के साथ साथ बैंकिंग सेनेटरी नैपकिन बनाने की यूनिट, अगरबत्ती बनाने की यूनिट, डिस्पोजल प्लेट बनाने की यूनिट शुरू की जाएगी। ये डिजिटल पेमेंट ग्रामीण डाकघर के अलावा कई अन्य सुविधाएं गांव के लोगों को भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने दुर्घटना में घायल इलाहाबाद के महेंद्र कुमार सिंह को पैर गंवाने के बाद भी जीवन में खड़ा होने का एक मौका दिया है। मात्र 12 रुपए में एक वर्ष का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराने वाले इलाहाबाद के पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक महेंद्र कुमार सिंह अब बैसाखी के सहारे चल पा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त उनका एक पैर चला गया था उस समय उनको पीएनबी से 1 लाख रुपए की बीमा राशि मिल गई, मुआवजे के तौर पर मिली। उस राशि से उनको बहुत बड़ी राहत महसूस हुई जिससे वो आज फिर अपनी जिंदगी और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अन्य लाभार्थी भी इस योजना को एक बहुत महत्वपूर्ण और सहारा देने वाली मोदी सरकार की पहल बताते हैं। 12 रुपए से जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना करवाया था जून 2015 में। मेरा ये पैर, बायां पैर जो है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद मैं वहां से जो है भारत हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहां जो है 2.5 महीने तक बेड पे था। उसके बाद क्लेम के लिए मैं जो है एप्लीकेशन दिया तो पंजाब नेशनल बैंक से हमको जो है 1 लाख रुपए का जो है बीमा के उसमें जो है मिला। 12 रुपए सालाना की ये योजना जिसमें जीवन बीमा हो जाता है, मैंने ये करा रखी है। और ये सबसे सफल और सबसे अच्छी योजना प्रधानमंत्री जी की मानी जाती है। प्रधानमंत्री जी की
जीवन बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें हम गरीब तबके के लोग जो बीमा की सोच भी नहीं सकते थे, वो भी 12 रुपए सालाना देकर अपनी जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दुर्घटना पर ये बीमा हमें अच्छा लाभ प्रदान कर सकती है। बहुत अच्छी, प्रधानमंत्री जी ने ये देश के गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, दलित पीड़ित शोषित के लिए इतनी बढ़िया योजना 12 रुपए में सालाना बीमा करके गरीबों के उत्थान के लिए ये का योजना जो दिया है, इससे बहुत करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैंने भी 12 रुपए का बीमा सालाना ले रखा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2019 को आधार मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संदिग्ध पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 1,59,957 पोलिंग स्टेशनों के सापेक्ष अब 1,63,331 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में 14,19,00,000 मतदाता हैं। इस पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों को 1 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा और इस पर आपत्तियां और दावे 31 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने नामावलियों में त्रुटियों को खत्म करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा और वार्डो की बैठक में नामावली को पढ़े जाने की तिथियां निर्धारित की हैं। जो भी भारत सरकार के, भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, उसके तहत कार्य करने के संबंध में सारे जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है और समस्त मंडल आयुक्तों को भी, चूंकि सभी मंडल आयुक्त इसमें रोल ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं, तो उनको भी पूरी सुपरविजन करने के लिए और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, बीच बीच में मॉनिटर करने के लिए मेरी तरफ से सबको निर्देशित कर दिया गया। और जिले स्तर पे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और माननीय पत्रकार रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बैठक करने के लिए भी, इवन SDM लेवल पे, क्योंकि ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है SDM होते हैं, तो उनसे भी हम लोगों ने कहा कि अपने लेवल पे जो तहसील स्तरीय प्रतिनिधि लोग हैं, ये बहुत पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी पूरी ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन के लिए उनको भी समय समय पर ब्रीफ करने के लिए भी कहा गया है। मथुरा में राज्यपाल राम नाईक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रदेश में बिजली और कानून व्यवस्था में स्थिति बेहतर हुई है। पिछले 1.5 साल में 15,00,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि दी गई है, जिनमें 51% संख्या छात्राओं की है। आरक्षण न मिलने के बाद भी महिलाएं अपने दम पर आगे निकल रही हैं। इस अवसर पर UGC के चेयरमैन धीरेन्द्र पाल सिंह, विशिष्ट अतिथि SP सिंह बघेल समेत कई लोग उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी, जब चुनाव आने की संभावना होती है तो राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है। मैं जिस पद पर मैं राज्यपाल हूँ, संविधान के दृष्टि से संविधान की एक गरिमा है, इस पद की भी गरिमा है, और इसलिए कोई भी राजनीतिक विषय पर मैं अपनी राय कभी देता नहीं हूँ। वैसे अमर सिंह भी मुझे मिले, वैसे आजम खान भी कुछ कहते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 4 साल में ऐसे कोई भी राजनीतिक विषय पर मैंने प्रतिक्रिया दी नहीं है, और आने वाले दिन में भी जब राजनीतिक विषय है उस पर मेरी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच ऑफ ब्यूरो ORB द्वारा आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय विकासखंड के शेख रहमत इंटर कॉलेज में ग्रामीण स्वच्छता अभियान पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीत नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया और विभाग द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में ग्रामवासियों को काफी लाभ पहुंचेगा। वहीं प्रश्नोत्तरी के विजयी प्रतिभागी सोनम यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी जानकारी मिली है, जिससे हम लोग जागरूक हो रहे हैं कि कैसे हम लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करना है और संक्रामक बीमारियों से बचाना है। मैं इस कार्यक्रम से बहुत संतुष्ट हूं,
कि जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में अभी से भरा जाएगा तो भविष्य में जब वो बड़े होंगे तो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बीबी और अपने सभी परिवार के अगल बगल के सबके तहीं वो उनके अंदर जागरूकता होगी। तो इस अभियान को जो आप लोग शुरू किए हैं वो आने वाली नस्लों के लिए वो एक कारगर होगा। इसी के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी सरकार को या NGO द्वारा इस प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और समाज का बहुत सुधार होगा। सूचना प्रशासन मंत्रालय से भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान पे कार्यक्रम था जिससे क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब देने पे हम लोग को पुरस्कार मिला ताकि हम साफ सफाई रखें और स्वच्छता की तरफ एक कदम अपना बढ़ाएं और अपना ध्यान स्वच्छता की तरफ रखें कुछ और ताकि और बीमारियां ना फैले जिससे संक्रमक बीमारियां फैल रही हैं वो सब दूर रहें हम लोगों से और हम लोग सुखी रहें और अपने घरों घरों में शौच बनवाएं जिससे और हम लोग को संक्रमक बीमारी न हो। दूर दराज के गांवों को शहर से जोड़ने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में प्रभावी सिद्ध होती दिख रही है। ललितपुर जिला मुख्यालय के ग्राम खोकरा से विकासखंड बार तक NH 26 व नवनिर्मित तहसील पाली तक जाने वाला संपर्क मार्ग बहुत ही खराब हालत में था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा इन संपर्क मार्गों के निर्माण हो जाने से अब यहां प्रतिदिन गुजरने वाले स्कूली छात्र छात्राओं, दूध व्यवसायियों, वाहन चालकों और किसानों को अपना काम करने में बहुत आसानी हो गई है। पिछली सरकारों में उपेक्षित रहे बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भरपूर लाभ मिल रहा है और मंडियों तक दूध और सब्जी पहुंचाने का काम काफी सहज हो गया है तथा ग्रामवासियों को आय में भी काफी इजाफा हो रहा है। हम डेली शहर जाते हैं पढ़ने के लिए और पहले सड़क खराब थी और मेरे लिए आने जाने में दिक्कत होती थी, कीचड़ वगैरह होता था और अब प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना चली है इसमें सड़क लंबी चौड़ी और अच्छी बन गई है इसलिए मुझे शहर जाने में सुविधा होती है। मेरा नाम है मनोज कुमार राय, मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। पहले सड़क बहुत ज़्यादा ही खराब थी, बाहर जाने में यहाँ से 20 किलोमीटर जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगता था समय, अब ये है कि 20-25 मिनट में बाहर पहुंच जाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए चलाई गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मुरादाबाद मंडल के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए अपने खेतों की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करके जैविक खाद और अन्य जरूरी उर्वरक डालकर मिट्टी की सेहत सुधार रहे हैं जिससे खेती में लगने वाली लागत में भी कमी आई है। कृषि विभाग द्वारा गांवों की चौपालों पर गोष्ठी व कैंप लगाकर किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता बताते हुए कार्डों का वितरण किया जा रहा है। जैसे वो पहले हम यूरिया गेरे कर रहे हैं, जैसे वो डाल रहे पड़ोसी डाले ऐसी हम डाल दे रहे हैं। अब जब से मतलब ये गोबर खाद डालनी शुरू करी है जब से जो फसल भी सही है। मेरा नाम है राम सिंह, ग्राम प्रधान खुशालपुर। जब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने हैं हमको दिए गए हैं बहुत लाभ है, बहुत सुधार है, खेती अच्छी हो रही है, कम लागत लग रही है, गोबर की खाद अधिक गिर रहे हैं। पहले लोग कम गिरते थे, यूरिया ज़्यादा लगाते थे, अब यूरिया कम लगा रहे हैं, गोबर खाद अधिक गिर रहे हैं, लाभ अच्छा मिल रहा, खेती अच्छी हो रही है, सरकार के नियम अच्छे चलाए जा रहे हैं। असर तो बहुत काफ़ी मिल रहा है देखने के लिए, लेकिन जो है और मृदा स्वास्थ्य के अनुसार ही हम जो है इसमें खाद लगा रहे हैं। पहले खाद ज़्यादा लगाते थे और एक बीघे में एक कट्टा लगाते थे, लेकिन अब जो है कम लागत आ रही है और फायदे ज्यादा हो रहे हैं। फायदा हुआ पहले जो बिना इन कार्डों के जो तो ज्यादा खाद यूरिया का प्रयोग करते थे और इन कार्डों से जो सारी फसलों का जो ये गवर्नमेंट ने जो मिट्टी की जांच करवाई है इसमें इनके अनुसार ही खाद की मात्रा डालते हैं और इससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध करा के आर्थिक मजबूती देना है। बुंदेलखंड में पिछले जनपद चित्रकूट में इस योजना से बेरोजगार लोगों को, खासकर महिलाओं और युवाओं और छोटे व्यवसायियों को खासा फायदा हुआ है। कम ब्याज दरों में बैंक से ऋण लेकर लोग छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इस योजना तब तक जिले में 2,480 परिवारों को लगभग 24 लाख रूपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। मेरी एक पान की छोटी सी दुकान थी, फिर मुझे मेरी मुलाकात हमारे यूनियन बैंक के मैनेजर साहब से हुई। उन्होंने हमको मुद्रा लोन के बारे में पूरी जानकारी दी, उससे इंस्पायर्ड होकर के मैंने एक बड़े बिजनेस के बारे में सोचा। फिर उन्होंने मुझे एक परफेक्ट 5 लाख का लोन दिया जिसकी वजह से मैंने एक आज अच्छी शॉप डेवलप की है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आज मैं इस स्थिति में कगार में खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, हम जो छोटे मोटे दुकानदारों के लिए सहायता देते हैं जिससे हम
लोन लेके आगे अपना विकास करते हैं। पहले हमारी छोटी दुकान थी बगल में, उससे हम लोन लेके हमने बड़ी दुकान कर ली है, इससे हमारी इनकम भी बढ़ गई है, हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। बहुत अच्छी योजना है, इससे हमारा रोज़गार भी बढ़ा है, हमारी कमाई बढ़ गई और एक को हमने और रोज़गार भी लगा लिया। पहले हम चाहे ठेलिया लगाते थे, फिर इसके बाद जो है हमने बैंक से 50,000 रुपये लेके दुकान खोल लिया है, उसको फाइनेंस यानी अदा कर दिया है, तो फिर ये जो है 1,00,000 रुपये हम उठा लिए दुकान भरने के लिए। अब प्रधानमंत्री जी की ये योजना बहुत अच्छी है। मुक्केबाजी में अमित पंघाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया है। अमित ने आज खेले गए 49 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल में रियो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराने में सफलता पाई। भारतीय मुक्केबाज ने मुकाबले को 3-2 से अपने नाम किया। मौजूदा एशियाई खेलों में यह भारत का 14वां स्वर्ण पदक है। कन्नौज जनपद में गंगा व काली नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव के लोगों को जिला प्रशासन सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। जानवरों को सड़कों पर रखा गया है। स्कूल के अंदर पानी भर जाने से शिक्षण कार्य रुका हुआ है। वहीं जिलाधिकारी खुद बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर रहे हैं और गांव वालों से पानी से घिरे मकानों को खाली करने का आह्वान कर रहे हैं। नावों के सहारे इन लोगों को गृहस्थी ऊंचे स्थानों पर पहुंचाई जा रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में सामान्य से भारी बारिश होने के समाचार मिले हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, प्रतापगढ़, महोबा, सुल्तानपुर, बिजनौर, झांसी, जालौन में कहीं कहीं हल्की से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की देश भर में हो रही है शुरुआत। डाकघरों के माध्यम से गांव-गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में मिलेगी मदद। वाराणसी में किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए शुरू की गई है नीम कोटेड यूरिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से इलाहाबाद में लोगों को मिला बड़ा सहारा। 12 रुपए प्रतिमाह में एक वर्ष के दुर्घटना बीमा से लाभार्थी महेंद्र को मिला पैर गंवाने के बाद भी जीवन में खड़े होने का मौका। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।